वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आपने जो कैप्शन देखा, जो थंबनेल देखा, बिल्कुल ठीक है। चाइना ने भारत को बिल्कुल घेर लिया है और चारों तरफ से घेरने की ये तैयारियां जो है अभी भी चल रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे चाइना ने किस तरीके से भारत को जो घेरा है और इस पॉलिसी को उन्होंने क्या नाम दिया है और कब से इन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है आज। हम तो दोस्तों, जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, ये जो रेड कलर के जितने भी स्पॉट्स हैं, ये आपके सामने मैप है, इसमें जितने भी रेड कलर के 1, 2, 3, 4, 5 उधर बांग्लादेश से लेके और इधर अफ्रीका तक जितने भी स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये चाइना के अंडर, चाइना के कंट्रोल वाले एरिए हैं या जहाँ पर चाइना की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो सभी एरिए हैं। और आप ध्यान से देखें तो ये सभी के सभी जो एरिए हैं उधर बांग्लादेश से लेके अफ्रीका तक इंडियन ओशियन को पूरे को कवर करते हैं। और आप लोगों को पता भी है आज के टाइम में यूएसए के बाद चाइना की जो नेवी है इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रही है कि वो वर्ल्ड की नंबर वन नेवी हो चुकी है। और आपको ये भी पता होगा कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं साउथ चाइना सी, और उस साउथ चाइना सी से इसका काफ़ी कुछ रिलेशन है, उसके बारे में हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चाइना ने इंडिया को घेर कैसे लिया। तो सबसे पहले देखिए, ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं मैप पे, इन सभी को चाइनीज पॉलिसी में नाम दिया गया है पर्ल ऑफ स्ट्रिंग, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग। और एक्चुअली पर्ल ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी जो है एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है, जो सबसे पहले लेट 2004 में यूएसए के जो स्टडी एक्सपर्ट थे, जो डिफेंस से जुड़े हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की कि चाइना जो है इंडिया को घेरने के लिए, फ्यूचर में इंडिया को घेरने के लिए इंडियन ओशन में ऐसे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है ताकि नियर फ्यूचर में कभी भी अगर इंडिया के साथ वॉर की नौबत आती है तो इन रीजंस को यूज कर सके इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने के लिए। तो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, इंडियन ओशन में चाइना का इतना ज्यादा दबदबा, इतनी ज्यादा प्रेजेंस भारत के लिए एक बहुत बड़ी सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। और लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी 2008 के बाद इनको काउंटर करने की कोशिश की है, वो क्या इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चाइना ने धीरे धीरे किन किन एरियो पे, किस किस कंट्री में कहाँ कहाँ पर अपने पैर जमाए हैं। ओके दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, हमें आप जब बात कर रहे हैं कि चाइना अफ्रीका तक पहुँचा है तो अफ्रीका से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के खत्म होने से पहले कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए कौन सा देश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका ग्रुप में इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के कुछ देश है जिनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, तो आपको बताना है इन चार में से कौन सी वो कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ग्रुप में नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दूंगा मैं वीडियो के एंड में, तब तक बात करते हैं चाइना के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप साइड में देखते भी रहेंगे, जो चाइना ने हमारे को घेरने की कोशिश की है इंडियन ओशन में, उसकी शुरुआत होती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और बे ऑफ बंगाल में एक अच्छी पोजिशन रखता है। तो इस बांग्लादेश जो कंट्री है, इसको चाइना ने काफ़ी अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ कोशिश की है, यहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करता है। और बांग्लादेश ही नहीं, चाइना की ये पॉलिसी रही है कि जो गरीब देश है, कमजोर देश है इंडिया के नेबरहुड में, उन सभी को उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट, पैसे का लालच दे के उनसे कुछ पोर्ट्स खरीदे हैं या लीज पे लिए हैं और धीरे धीरे उन पोर्ट्स पे कब्जा किया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश का जो पोर्ट है उसका नाम है चिटगांव। चिटगांव जो पोर्ट है, इस पोर्ट में चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है और इस पोर्ट को काफी मॉडर्नाइज कर लिया है और अभी यहाँ से ये अपना कॉमर्शियल काम ऑपरेट करते हैं। लेकिन नियर फ्यूचर में इनके एग्रीमेंट है, अगर कभी भारत के साथ कोई इनका संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस केस में ये इसको एज ए मिलिट्री पर्पज भी यूज कर पाएंगे। तो बांग्लादेश से स्टार्ट करके इन्होंने पहुंच गए हैं ये हमारा म्यांमार,
म्यांमार भी। तो म्यांमार में दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में, म्यांमार में क्याओ क्यू, KYAUKPYU, ये वाला जो पोर्ट है इन्होंने म्यांमार से एग्रीमेंट किया है इसके लिए भी। इसको भी ये हैवी अमाउंट लगा के डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक म्यांमार ऐसा कंट्री है जो चाइना के काफी क्लोज है, चाइना में इनका चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है, तो हमें ज्यादा इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि म्यांमार का तो झुकाव है चाइना की तरफ क्यों है, क्योंकि वहां पे आपको पता है अभी भी आंग सान सू की जो गवर्नमेंट है उसको कूप किया गया है मिलिट्री के द्वारा। तो चाइना का जो सेकंड स्टेप था वो बांग्लादेश के बाद म्यांमार में इन्होंने हमारे को घेरने की कोशिश की, यानी कि वहां पर भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। उसके बाद ये पहुंचते हैं इंडियन ओशन में कोको आइलैंड्स के पास। कोको आइलैंड्स है इंडियन ओशियन में, आप देखेंगे जहां पर हमारा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार के जस्ट ऊपर की तरफ, जस्ट ऊपर कोको आइलैंड से छोटा है, तो वहां पर भी कोको आइलैंड्स जो है ये भी म्यांमार से रिलेटेड है, तो इन्होंने म्यांमार से परमिशन लेके वहां पर भी अपना सैनिक ठिकाना इन्होंने बना लिया है और पूरे इंडियन ओशियन को ऐसे धीरे 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 कवर करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद ये पहुंचते हैं श्रीलंका में, श्रीलंका, और श्रीलंका में इन्होंने हम्बनटोटा नाम से जो इनका पोर्ट है उसको 100 ईयर्स या 99 ईयर्स जो भी बोलो आप के लिए लीज पे लिया है, और श्रीलंका में भी इसके प्रति काफी डिसकंटेंट है। ऐसा बताया जा रहा है कि श्रीलंका जो है इनका जो डेब्ट है उसको रिपे करने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है श्रीलंका के लिए, तो शायद ये चाइना के कब्जे में ही पोर्ट चला जाए। और चाइना में तो आज के टाइम एक और डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने कोलंबो पोर्ट सिटी को ही श्रीलंका को डेवलप करने के लिए दे दिया है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे आप देखते जा रहे हो, ये रेड पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये एक एक मैप पे लोकेट आपके सामने है, ये जो स्थान है, ये जो स्पेस प्लेसेस रीजन जो मार्क करके मैप पे दिखाए हैं, सभी के सभी श्रीलंका इंडिया को घेरने के लिए यहाँ पे पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, यहाँ से अपने आर्मी बेस बना सकते हैं, यहाँ पर ये अपनी आर्मी को रख सकते हैं, अपने वेपन्स को रख सकते हैं, अपनी सबमरीन्स को यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, इनके नेवल शिप यहाँ से आ सकते हैं, फाइटर जेट यहाँ से जा सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम में यहाँ से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तो ये बहुत खतरे की चीज़ है हमारे लिए। इसके बाद दोस्तों ये पहुंच जाते हैं हमारे पड़ोसी आइलैंड देश मालदीव्स में। मालदीव्स में भी इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, और वहां से भी मालदीव में तो छोटा छोटा आइलैंड्स है, वहां पर मालदीव में भी इन्होंने अपना आर्मी बेस बनाने की तैयारी कर चुके हैं ये, और वहां पर भी इनकी प्रेजेंस है, मालदीव्स में भी इन्होंने आइलैंड्स को ले लिया है। तो ऐसे करते करते देखिए इन्होंने पूरे इंडियन ओशन से स्टार्ट किया है और चलते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों ये सभी काम इन्होंने किए क्यों हैं? आपको देखना होगा कि अगर जब भी कभी युद्ध होता है किसी देश के साथ, तो उस टाइम पे कच्चे तेल की, पेट्रोल की, डीजल की सप्लाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आपको फाइटर प्लेन उड़ाने हैं, आपको शिप ऑपरेट करने हैं, आपको सबमरीन चलानी है, आपको फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, आपको आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए फ्यूल की जरूरत होती है। और चाइना का जो फ्यूल है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंडियन ओशन से ही होके जाता है। अब आपको पता है ईरान और अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं, आप मैप में देख सकते हैं ईरान और अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं, इनसे सी रूट होता हुआ स्टेट ऑफ मलक्का सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की तरफ से, इंडोनेशिया की तरफ से होता हुआ, साउथ चाइना सी से होता हुआ चाइना का आपका जो है पहुंच रहा है। तो अब ये देखिए श्रीलंका ने इसी बात का बहाना बनाकर कि हम अपनी जो है क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है इसको चेक करने के लिए, इसको कवर करने के लिए, इसको निगरानी करने के लिए हम जो है ये जो स्थान है इनको हम लीज पे ले रहे हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे लीज पे लेके इन्होंने भारत को घेरना स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं, इसके बाद ये मालदीव तक पहुंच गए, इसके बाद बीच में इंडियन ओशन क्रॉस किया और ये पहुंच जाते हैं भैया अफ्रीका महाद्वीप के आसपास। और अफ्रीका महाद्वीप में जो मैंने बताया
सबसे ज़्यादा गरीबी है, और वहाँ पे इन्होंने टारगेट किया सबसे पहले एक छोटे से देश जिबूती को। कौन सा देश? जिबूती। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसके बाद आता है जिबूती, इसके बाद आता है जिबूती। जिबूती स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा, डी जे आई बी आई टी यू बी यू टी आई, जिबूती। अब जिबूती देश को आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों की लोकेशन पता होनी चाहिए। जिबूती में तो इन्होंने रेड सी की तरफ, ओमान से जब आप अंदर जाते हैं रेड सी की तरफ, वहीं पर यह देश आपको मिलेगा। स्वेज कैनल की तरफ बढ़ते हैं जब रेड सी से, तो जिबूती जो कंट्री है अफ्रीका में, वहां पे मिलेगा आपको। और वहां पे इन्होंने क्या किया है, क्या किया है दोस्तों, अपना आर्मी बेस बना लिया है। तो चाहे तो अफ्रीका से भी, अफ्रीका की तरफ से भी इंडिया को घेरा है। क्यों बनाया है यहाँ पे बेस? क्योंकि इंडिया की जो है जो ऑयल सप्लाई आती है इंडियन ओशन से, अफ्रीका से या उधर से पर्शियन गल्फ की तरफ से ईरान से, अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होता है तो ये इंडिया की सप्लाई को इंटरप्ट करने के लिए भी इन्होंने ये कोशिश की है। इसके बाद जिबूती के पास पड़ोसी देश है हमारे कुछ, वहां पर ही इनके पास एक सोमालिया कंट्री है, सोमालिया कंट्री में भी इन्होंने अपना, और सूडान कंट्री है वहां पर भी इन्होंने अपने आर्मी बेसिस बनाने की तैयारी की हुई है। वहां पर इनकी परमानेंट प्रेजेंस है, खासकर सोमालिया में और सूडान में भी इन्होंने पूरी तरह से इंडिया को टैकल करने की कोशिश की है। तो इन सभी चीजों को देखकर लगता है कि चाइना ने जो है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी तैयारी की है, और उसका पूरा का पूरा टारगेट जो है इंडिया को चारों तरफ से घेरने का ही टारगेट है। हाँ, इंडिया ने भी काउंटर जवाब दिए हैं, लेकिन वो 2008 के बाद दिए हैं। लेकिन आपको पता है गरीब देश के लिए पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है, इसलिए चाइना ने पैसे के दम पे इन देशों को लगभग खरीद लिया है। और नीचे एक और देश है कीनिया, वहां तक भी इन्होंने अपने रीच बढ़ा दी है, कीनिया के पास भी ये पहुंच गए हैं। अब आप देखिए छोटे छोटे गरीब देश हैं, और आपको ये भी आइडिया होगा कि जो मोदी है उन्होंने आपकी जो वैक्सीन कोरोना वैक्सीन के हिसाब जो सप्लाई की है बहुत से गरीब देशों को की है अफ्रीका में, ताकि ये जो छोटे छोटे देश है हमारे प्रभाव में आए और हम चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर पाए। अच्छा दोस्तों, बात यही नहीं रुकती कि चाइना ने इतने एरियो इतनी जगह पर अपने बेस बना लिए हैं, बात इससे ज्यादा बढ़ के है। आप देखिए मैप में, देखिए इन सभी की लोकेशन देख लीजिए आप। पर्शियन गल्फ ईरान से जो सप्लाई आती है तेल की, पर्शियन गल्फ के पास जो है हॉर्मुज सी जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी लोकेशन दर्ज करा ली है। और हॉर्मुज सी जो है आपको पता है वहां से हमारी जो चाबहार ईरान की जो हमने पोर्ट किराए पे ली है, लीज पे ली है, उस पर ये कंट्रोल कर रहा है, उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वहां से, क्योंकि एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप कर लिया है। तो इसलिए तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत पूरी तरह से चाइना के चक्करव्यूह में फंस चुका है, और इसको चक्करव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, और उन स्टेप्स को उठाने का जो रिजल्ट है वो एक क्वाड ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है। और क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बनने के इंडिया को क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या लॉसेज हुए हैं, ये भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों इंडियन ओशन की, इंडियन ओशन में इन्होंने कैसे भारत को घेर लिया है। और आपको एक दूसरे एंगल से बताता हूँ, ऊपर से जो नॉर्थ साइड है इंडिया की, हिमालयन साइड से भी इन्होंने कैसे भारत को घेरने की कोशिश की है। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो इन्होंने क्या बनाया है, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको ओबोर भी कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इन्होंने चाइना से लेके पाकिस्तान का जो कराची में अरेबियन सी पे जो पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, आप मैप में देखिए, चाइना से लेके ग्वादर पोर्ट तक एक रोड बनाया है, और उस रोड से इनकी एंट्री जो है डायरेक्ट इंडियन ओशियन में अरेबियन सी में हो गई है। तो अरेबियन सी जो है आपके लिए कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट का स्थान है भारत के लिए, आप सभी को पता है। अगर अरेबियन सी तक इधर पहुंच गए हैं, उधर बे ऑफ बंगाल में पहुंच गए हैं, नीचे श्रीलंका में पहुंच गए हैं, बिल्कुल घेर लिया है। दूसरा दोस्तों,
चाइना की दादागिरी इतना देखी है, साथ साथ पाकिस्तान को इन्होंने अपने कर्ज में इतना दबा लिया है कि जैसा ये पाकिस्तान से कहते हैं पाकिस्तान वैसा ही करता है। और पाकिस्तान को तो इनको कहने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही है पाकिस्तान तो चाहता ही है कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज की जाए। लेकिन ये जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, इससे जो है चाइना की मिलिट्री जो है मूवमेंट और इकोनॉमिक मूवमेंट, असली चीज तो क्या, चाइना की इकोनॉमिक, चाइना का पैसा ही है जिसके डेब्ट ट्रैप में फंसा के लोगों को दूसरे देशों को कब्जा कर रहा है, जो भारत के खिलाफ अगेंस्ट यूज कर रहा है, उनके अगेंस्ट खड़ा कर रहा है। दूसरा दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, नेपाल के साथ भी हमारा पिछले साल काफी विवाद हो गया था, दो तीन गांवों को लेके। आपको अगर याद हो तो काला पानी एक गांव है काली रिवर के पास जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, और अचानक नेपाल ने उन गांवों के ऊपर अपना दावा पेश किया था कि ये हमारे गांव हैं, और उन्हें यहां तक नौबत आ गई थी कि नेपाल ने अपनी आर्मी भी वहां पर डेप्यूट की थी। लेकिन नेपाल इतना तो समझदार है कि भारत से डायरेक्ट वो भिड़ेगा नहीं, लेकिन सारा का सारा जो खेल था ये, जो नेपाल को भी उन्होंने उकसाना स्टार्ट किया है भारत के अगेंस्ट, और नेपाल को भी पैसे दे के नेपाल चाइना से तिब्बत जो कब्जे में है इनके, ल्हासा से लेके तिब्बत की कैपिटल थी जो ल्हासा सिटी से लेके और नेपाल में लुम्बिनी तक, जो लुम्बिनी ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पे खत्म होता है, मैप में देख लीजिए, यहाँ तक इन्होंने रेल लाइन बिछाई है। और बदले में मतलब अगर फ्यूचर में कभी अगर ऐसी लड़ाई की नौबत आती है तो बड़ी आसानी से रेल रूट के द्वारा नेपाल होते हुए ये भारत के उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंच सकते हैं चाइना। तो देखिए क्या कमाल की इन्होंने पॉलिसी बनाई है, हिंद महासागर में इंडियन ओशन में पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की पॉलिसी के तहत इंडिया को इन्होंने इनसर्कल किया, घेर लिया है ऊपर से पाकिस्तान के साथ नेपाल के साथ मिलके। और एक और इन्होंने कमाल किया है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको भी इन्होंने अपनी तरफ यूज करने की कोशिश की है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मोदी और ट्रंप की जो घनिष्ठता है वो काफी बढ़ गई थी, और ट्रंप के कहने पर इंडिया मोदी जी ने एक ग्रुप क्वाड को ज्वाइन किया, क्वाड ये क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, चार देशों की जिसमें इंडिया यूएसए जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और इन चारों ने कोशिश की है कि जो इंडियन ओशन में चाइना अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो इंडिया चाइना की जो नेवी है जो इंडियन ओशन में अपनी ज्यादा प्रेजेंस दिखा रही है, अग्रेसिव प्रेजेंस दिखा रही है और छोटे छोटे आइलैंड्स को भी कब्जा करने लग रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बना है। लेकिन क्वाड ग्रुप बनने के बाद एक समस्या पैदा हो गई है कि जैसे ही क्वाड ग्रुप बना है, रशिया जो हमारा है फॉरएवर एवरग्रीन फ्रेंड है, वो रशिया जो है चाइना के काफी क्लोज चला गया है। ऐसा नहीं है कि वो भारत के अगेंस्ट है, लेकिन चाइना जो है अमेरिका रशिया जो है चाइना की तरफ जाने का कारण है, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों ही कॉमन एनिमी फेस करते हैं, और वो है थ्रेट उनके लिए यूएसए। तो भारत का यूएसए करीब जाना एक छोटा सा कारण बन रहा है कि रशिया भी हमारी तरफ कुछ ढीला रवैया रखने लग गया है। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से जो चाइना है वो भारत को अपने चक्कर भी में ले रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन आर्मी जो है, क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगी या तोड़ने के क्या प्रयास भारत की तरफ से चल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में समझने की। तब तक आप एक एक लोकेशन को ध्यान से समझिए, इनके बारे में जानकारी जुटाइए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो हम शूट करें तो आपको इन चीज़ों की समझ हो कि भैया चाइना के मन में क्या चल रहा है और चाइना के किस प्रोजेक्ट के काउंटर में हम क्या जवाब दे पा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे हम आपको ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताने की। तो फिलहाल के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए और मैप पे चीज़ें ढूंढने की कोशिश कीजिए। और फाइनली हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था तो उसका राइट आंसर आपने दिया है या नहीं दिया अभी चेक करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक ग्रुप है जिसमें हमारी अफ्रीका की 5 कंट्री हैं, और उन 5 कंट्रियों की जो ज्योग्राफिकल शेप है वो ऐसी है जैसे कोई हॉर्न हो, कोई सींग हो किसी एनिमल का, और हम उसको याद कर सकते हैं ऐसे ट्रिक है सीड्स के नाम से दोस्तों। एस फॉर सूडान, ई फॉर इरिटेरिया, नेक्स्ट ई इथियोपिया,
डी फॉर जिबूती, मैंने आपको बताया जिबूती, डी जे आई बी यू टी आई जिबूती, एंड एस फॉर सोमालिया। दोस्तों ये पांच कंट्री जो है सीड्स के नाम से जो फेमस है, ये अफ्रीका की पांच कंट्री जो है, मैप में देख लीजिए, ग्लोब वर्ल्ड मैप में देख लीजिए इनकी लोकेशन, ये जो पांचों कंट्री हैं देख लीजिए ध्यान से, इनको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका ग्रुप में काउंट करते हैं। और एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अब आप देख सकते हैं जो राइट आंसर है वो आपका जो है क्या है, युगांडा, जो मैंने ऑप्शन में दिया है, जो युगांडा जो कंट्री है सॉरी दोस्तों, युगांडा जो कंट्री है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि भारत और चाइना के बीच में इतनी टेंशन क्यों रहती है और भारत को चाइना से सावधान रहने की जरूरत क्यों है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले आपसे एक अपील, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सुपर इंटरेस्ट एकेडमी पे, वीडियोस को देखने से पहले शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए कमेंट कीजिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज संदीप जायसवाल साइनिंग ऑफ, बाय, थैंक यू वेरी मच।